जब आप किसी और के लिए जो है गड्ढा खोल के रख देते हो तो उस गड्ढे में आप खुद ही गिर जाते हो। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ हो गया है देवोलीना के साथ। क्या हुआ है हमारी देवोलीना के साथ, मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विंकी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टीवी। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 शुरू हो चुका है। बिग बॉस सीजन 14 में जो लाइमलाइट फिलहाल बन चुकी है वो है हमारी निकी तंबोली। और ये निकी तंबोली ने घर में तो बवाल मचा के रख ही दिया है, लेकिन बिग बॉस के फैंस के दिल में भी जगह बना ली है। और इसी के साथ देवोलीना जो है हमारी, जो हमेशा बिग बॉस के बारे में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बोलती रहती है, उन्होंने अभी निकी तंबोली के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कमेंट कर दिया है, लेकिन उसमें वो खुद ही फंस गई है। दोस्तों, पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले देवोलीना ने जो है निकी की साइट से एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कुछ भी कहो, निकी तंबोली ने पूरा का पूरा जो सीन है उसे स्टील कर लिया है, पूरे के पूरे बिग बॉस की अटेंशन खुद के तरफ कर ली है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा किसी की साइड लेने के लिए, लेकिन निकी को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। ये उन्होंने ट्वीट किया था, यानी कि उन्होंने निकी की साइड ली थी। लेकिन कल के दिन में ऐसा कुछ अचानक हो गया कि हमारी देवोलीना ने निकी की साइड लेना छोड़कर उसे मोस्ट इरिटेटिंग कहा। अभी उन्होंने निकी को मोस्ट इरिटेटिंग नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि बिग बॉस का सीजन 14 देखते हुए और निकी को देखते हुए मुझे बिग बॉस, निकी कॉपी कैट है और मुझे बिग बॉस की सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट की याद आती है निकी को देखकर। उन्होंने तो पहले दो बयान किए निकी के बारे में कि निकी कॉपी कैट है, मतलब वो कॉपी करती है किसी को, किसी कंटेस्टेंट को, बिग बॉस के एक्स। और दूसरा कमेंट उन्होंने किया कि इरिटेटिंग कंटेस्टेंट की याद दिलाती है। अभी दोस्तों, निकी ने किया हुआ ये कमेंट नहीं राज आया किसी को भी, ना ही किसी भी फैंस को, क्योंकि दोस्तों लोगों को पहले तो ये लगा कि शायद इसने ये कमेंट यानी इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कहा है शहनाज को। अभी दोस्तों, आपको तो पता है शहनाज की कितनी फैन फॉलोइंग है और शहनाज सबके लिए क्या मायने रखती है। और फिर ऐसी खबरें आई कि भाई इसने माहिरा को शायद मोस्ट इरिटेटिंग कहा है। लेकिन 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 अगर वो शहनाज को भी इरिटेटिंग कह रही है या माहिरा को भी इरिटेटिंग कह रही है, लेकिन लोगों का कहना ये है कि आप किसको इरिटेटिंग कह रही हो, बिग बॉस के सबसे बड़े इरिटेटिंग कंटेस्टेंट तो आप ही थे। जी हाँ दोस्तों, एक ने नहीं, दो ने नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट कर दिया है देवोलीना को कि क्या आपके बारे में बात कर रहे हो, क्या आप इस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि बिग बॉस का सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट आप थी, यानी कि निकिता अम्बोली। यस, निकिता अम्बोली कॉपी करती है, वो कॉपी कैट है, यस वो इरिटेटिंग है, यही बात वो है कि ये बात मुझे आपकी याद दिलाती है। यानी कि निकी का इरिटेटिंग जो स्वभाव है, यानी कि जो कॉपी कैट करती है वो देवोलीना को ही कॉपीकैट करती है, ऐसे देवोलीना को करारा जवाब फैंस ने दे दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शहनाज के बारे में अगर आप कुछ गलत कहना चाह रहे हो तो आप बच नहीं सकते शहनाज के फैंस के सामने। और यही कुछ देवोलीना के साथ हो गया है, जानबूझ के हर बार किसी ना किसी को पोक करना इस बार देवोलीना को महंगा पड़ते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको देवोलीना के बारे में क्या लगता है, क्या लगता है किसके किसको देवोलीना ने इरिटेटिंग कहा होगा, माहिरा को या शहनाज को? और अगर उन्होंने दोनों में से किसी को कहा है तो क्या देवोलीना खुद ही इरिटेटिंग है, क्योंकि फैंस का भाई ऐसे ही कहना है। आपको क्या लगता है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिग बॉस की, टीवी की, बॉलीवुड की और हर गलियारों की हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मेरा नाम रिंकी खाड़े और देखते रहिए बॉलीवुड टीवी।